ज्ञानपीठ, इंडिया हैबिटेट सेंटर और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की इस संयुक्त मासिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं निर्मल कांति भट्टाचार्य जी और श्री के निवास राव। मैं अपने अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा, जो आज भारतीय साहित्य और संस्कृति पर बातचीत करेंगे। ये समय ऐसा है कि साहित्य और संस्कृति पर बातचीत करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और उसे सुनने वाले लोग उससे भी कम होते जा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आज हमारे लाख प्रयास के बावजूद बहुत कम संख्या में लोग आए, लेकिन जितने भी आए हैं उनका हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि वो सर्दी के इस मौसम में चलकर आए और अपना साहित्यिक और सांस्कृतिक सरोकार उन्होंने अपना दिखाया। हम बहुत ही सचमुच धन्यवाद उनका अदा करना चाहेंगे। आज के वक्ता हैं डॉक्टर के श्रीनिवासन राव और आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं श्री भट्टाचार्य जी। क्या साहित्य और संस्कृति निरपेक्ष है? साहित्य का इंडिपेंडेंट एक सत्ता है या साहित्य संस्कृति का एक कंपोनेंट है? संस्कृति का एक पार्ट के रूप में, अंश के रूप में साहित्य फंक्शन करता है। शायद ये भी एक गुरुत्वपूर्ण विचार हो सकता है हमारा बीच में। और साहित्य और संस्कृति का संपर्क और आखिर में साहित्य जब निर्माण होता है, भाषा से ही साहित्य निर्माण होता है, लेकिन मेरा भाषा से तो साहित्य नहीं होता है। तो मतलब साहित्यिक एक विशेष भाषा का प्रयोग कर रहे, जिस भाषा से ऐसा कुछ संकेत आता है जो हमें एक हायर रियलिटी का तरफ निर्देश करता है। हमारा नियमित जो जीवन, इसके ऊपर एक हायर रियलिटी है, उस तरफ जो संकेत करता है साहित्य अपना प्रतीक के माध्यम में, अपना मेटाफोर्स सिंबल्स के माध्यम में, उस साहित्य समाज को क्या देते हैं? क्या संस्कृति साहित्य का निर्धारण करते हैं, ऐसा होगा साहित्य इस संस्कृति का, या साहित्य भी संस्कृति का प्रभाव कर सकते हो, संस्कृति का चेंज कर सकते हैं? एक अच्छा डॉक्यूमेंटरी अगर आप आज बनाया जाए कोई एक विशेष टॉपिक पर और हम उस बारे में सचेतन होता हूँ, तो क्या हमारा सोशल बिहेवियर, हमारा कल्चरल बिहेवियर चेंज होगा? डॉक्यूमेंटरी इज एन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन उससे क्या प्रभाव होगा हमारे पास? हम ये सब लेके आज बात करेंगे, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, बात करेगा डॉक्टर के श्रीनिवास साहब। मैं बीच बीच में टिप्पणी करूँगा और बाद में आप लोग बात करेंगे। भारत जैसे बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक समाज में परंपराओं, आस्थाओं, रीति रिवाजों, प्राथमिकताओं, प्रचलों और संस्कारों में बहुरूपता और विविधता होना स्वाभाविक है। यह सब विविधताएं और प्रक्रियाएं विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त पाती है, जैसे प्रथाएं, प्रचलन, संस्कार, कलारूप, तकनीकी, साहित्य, भाषा, खानपान, वेशभूषा, स्थापत्य आदि। साहित्य एक कलारूप है जो सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए बिंब निर्माण तथा लेखक के विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग एक माध्यम के रूप में करता है। साहित्य बाहरी एवं आंतरिक यथार्थ को समेटता और प्रतिबिंबित करता है। साहित्य की एक बड़ी भूमिका और कार्य अपने रचनाकाल के यथार्थ को उजागर करना है। इस दृष्टि से देखें तो साहित्य संस्कृति के एक तत्व भाषा का उपयोग करते हुए संस्कृति का परावर्तक है और इस प्रकार यह संस्कृति का ही एक उत्पाद है। आई मीन
Seen from this perspective, literature is a reflector of culture using one of the components of culture, language. In that sense, it is a product of culture. लेकिन साहित्य केवल यही नहीं है या किसी भाषा में सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परंपराओं का कोष भी है. एक साहित्य कृति अपने आप में सामाजिक यथार्थ, प्रचलनों एवं प्रथाओं, आस्थाओं और संस्कारों, अर्थनीति और तकनीकी से संबंधित सूचनाओं के साथ साथ और भी बहुत कुछ को अपने में समाहित किए हुए रहती है. Just as culture is the rock on which the literature emanates, or it is a culture which is responsible for the birth of literature, it is also true that literature too influences literature, culture, sorry. Sanskriti वह आधार है जिस पर साहित्य का भवन निर्मित है. क्योंकि ये तीन लाइन मैंने जो अंग्रेजी में बोला, ये उस तरह का फ्लो नहीं है हिंदी में, इसलिए पहले अंग्रेजी में बोल के फिर मैं हिंदी में उसी को रिपीट कर रहा हूँ. संस्कृति वह आधार है जिस पर साहित्य का भवन निर्मित है. एक तरह से संस्कृति ही साहित्य के जन्म के लिए उत्तरदायी है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि साहित्य संस्कृति को प्रभावित भी करता है. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट कल्चर कैन बी परसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस सच एज material culture, which is education and the dress code, money, etc., and institutional culture, that marriage, family, religion, caste system, etc., and psychological culture, that is development of thought and the new languages. Behavioral culture of a given society falls broadly into all the categories and gets influence within each category. यह एक सुस्थापित तथ्य है कि श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों में एक या अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं, जिनका मैंने उल्लेख किया, को प्रभावित अथवा परिवर्तित करने की शक्ति होती है. इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसा महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स अथवा सुब्रमण्य भारती का लेखन, जिसने जनसाधारण को प्रभावित किया तथा देशों की उन्नति सांस्कृतिक विशिष्टताओं को परिवर्तित किया. ऐसे सुविचारित साहित्य ने राष्ट्रों को आंदोलित किया, आंदोलनों को गति दी तथा लाखों लोगों के विचारों और जीवन शैली में क्या कुछ नहीं बदल दिया. सच वेल रिटन लैंग्वेज लिटरेचर हैव मूव्ड नेशंस, इग्नाइटेड मूवमेंट्स एंड व्हाट नॉट चेंज्ड थॉट एंड लाइफ पैटर्न ऑफ मिलियंस.